आज आपको एक ऐसी रस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप यह कह उठेंगे कि भला ऐसी भी कोई रस्म हो सकती है। जी हाँ, इंडोनेशिया में एक ऐसा समुदाय है जिसका नाम है टीडोंग। इनके शादी के रीति रिवाज बेहद अजीबोगरीब हैं। दरअसल यहाँ दूल्हा दुल्हन को शादी के 3 दिन तक शौचालय जाने की इजाजत नहीं होती। सुनने में ये चाहे भले ही अजीब लगे, लेकिन उन लोगों के लिए ये रिवाज आम है। ऐसा करने के पीछे कुछ खास वजह है। उनका मानना है कि शादी के 3 दिनों तक अगर दूल्हा और दुल्हन घर के शौचालय का प्रयोग करेंगे तो इससे उनकी किस्मत को बुरी नजर लगेगी। हो सकता है कि उनकी शादी ज्यादा दिनों तक न टिके और कोई ना कोई अनहोनी या किसी की मौत हो जाए। इसी वजह से नए जोड़ों को शादी के 3 दिनों तक कम से कम खाना दिया जाता है। तीसरे दिन इस रिवाज के पूरे होने के बाद दोनों नहाते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इनके और भी ऐसे कई रिवाज है, जैसे कि जब तक दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए गाना नहीं गाता वो उसे देख नहीं सकता। दुल्हन को मंगनी के बाद घर से निकलने की इजाजत नहीं होती और अगर शादी में दूल्हा मंडप में देर से पहुंचा तो उसे हर्जाना भी भरना पड़ता।